हेलो एवरीवन, अनिल कैंसर क्लिनिक और उनके कैंसर सर्वाइवर सपोर्ट ग्रुप मैत्री परिवार की तरफ से मैं प्रीति पुरोहित आप सबका हमारे इस चैट शो कुछ मीठी बातें में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जून इज कॉल्ड द कैंसर सर्वाइवर्स मंथ, इसलिए इस महीने हम एवरी वीक आपके सामने एक सर्वाइवर लेके आ रहे हैं और उसी परस्यूट में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यंग सर्वाइवर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हर जर्नी हैज बीन चैलेंजिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड मच मच मोर देन दैट। तो आनंद गुजरात से आज हमारे साथ ज्वाइन हो रही हैं मिस शीतल बलानी। शीतल, हमारी चैट शो कुछ मीठी बातों में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक एंड इट्स सो नाइस टू सी यू शीतल, लुकिंग ग्रेट एज एवर। यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। आई एम रियली ब्लेस्ड। वी आर ब्लेस्ड नाउ। आज जो हमें लोग देख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द शो they'll really feel that they are blessed to know you through this chat. So, शीतल, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताओ ना सबको। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली आफ्टर मैरिज मैं गुजरात में आई। बीटेक ग्रेजुएट हूँ और शादी के बाद बीएड कोर्स किया बिकॉज टीचिंग वाज माय पैशन। तो कुछ साल मैंने नागपुर में भी जॉब किया था। फिर अपनी बच्ची 2.5 साल की जब हो गई उसके साथ साथ मैंने बीएड कोर्स करके और फिर ऑलमोस्ट 12 इयर्स मैंने यहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल में सेकेंडरी सेक्शन में एज अ साइंस टीचर वर्क किया। और बेसिकली एक इंट्रोवर्ट गर्ल रही हूँ और बट एट द सेम टाइम गुड फ्रेंड सर्कल, क्वालिटी फ्रेंड सर्कल हु नो मी इन एंड आउट, उनके साथ बहुत बोलती हूँ। एंड यस दैट्स ऑल। ए ग्रेट ग्रेट, सीबीएसई स्कूल में साइंस की टीचर हो, दैट इट्सेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी फीट है। बिकॉज टीचिंग साइंस एंड मैथ्स, बच्चों को पढ़ाना और उनको वो समझ इस तरीके से पढ़ाना कि वो उस सब्जेक्ट को समझें, इट्स अपने आप में एक बड़ी बात है। शीतल, हर इंडिविजुअल की लाइफ में अपहीवल्स आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है। नाउ दे कैन बी एनी थिंग, दे कैन बी फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ अ डियर वन, हेल्थ इश्यूज, और भी दूसरे कई कई बातें हैं जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में कभी ना कभी आती हैं। नाउ आई नो यू हैव बीन थ्रू अ वेरी चैलेंजिंग हेल्थ सिचुएशन पास्ट में। आज पहली बात तो जून कैंसर सर्वाइवर्स मंथ है, हम इसके पहले भी 2 वीक्स सर्वाइवर्स से बात कर चुके हैं, लेकिन योर जर्नी इज समथिंग जो मैं चाहती हूँ कि तुम शॉर्ट में आज जो हमने सब सुनने वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करो। मैं जानती हूँ, बट आई वुड लाइक पीपल टू नो अबाउट योर जर्नी, सो शॉर्ट में। यस यस श्योरली। इन द ईयर 2019 जैसे मैं एक टिपिकल वर्किंग मॉम के जैसे मैं अपना 8 to 3 का जॉब करती थी और पूरा होल सोल यू नो बीइंग अ मदर एंड अ प्रोफेशनल उसके बीच में अपना एक बैलेंस रखने की कोशिश करती थी। और बस उसी बीच कुछ 1 week or 10 days से मैंने अपने बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस महसूस किए। मतलब आई कुडंट फील इट इंटरनली, आई कुडंट फील इट। सो मुझे ऐसा लगा कि 1 week to 10 days वॉज इनफ टू अंडरस्टैंड बिकॉज होता है ना कि हमें समझने में टाइम लगता है कि हाँ ये आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। तो मैंने इमिजिएटली वहीं से मेरी इट वॉज इन द लोअर एबडोमेन द चेंजेस विच आई फेल्ट। तो मैंने मेरी गायनेक को वहीं से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे हस्बैंड से तो बाद में शेयर किया क्योंकि इट वॉज टू अर्ली टू यू नो इवन आइडेंटिफाई एंड शेयर। और जब गायनेक से मिली तो इट वॉज एस्टैब्लिश कि दोनों ओवेरिज में सिस्ट है एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस वी हैड टू यू नो फाइंड
फाइंड आउट द रोड मैप टू फॉर माई ट्रीटमेंट, और सारे हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलजुल कर हमने फाइनलाइज किया कि इट हैज टू गो फॉर सर्जरी बिकॉज इट वॉज एन थोड़ा स्प्रेड हुआ था वो. और सर्जरी के बाद में जैसे एक टिपिकल कीमो की साइकिल्स होती है वो सब ली मैंने. और सो यू मीन टू से इट वाज अ मैलिग्नेंट सिस्ट? यस इट वाज अ मैलिग्नेंट सिस्ट यस. एंड जब एस्टैब्लिश हुआ तभी वो थोड़ा सा स्प्रेड अप हो चुका था, बट जैसे कि ये थोड़ा यू नो साइलेंट होता है इसका जो महसूस करने में भी आपको टाइम लगता है. बट आई वॉज नॉट वेरी इग्नोरेंट अबाउट इट बिकॉज मुझे ये चीज पता थी कि बॉडी हमेशा हर चीज का एक सिग्नल देती है, हम उसको इग्नोर करते हैं. तो बस मुझे लगा कि नहीं ये मैं ज्यादा समय ना लूँ इस चीज के लिए, और मैंने ही अपॉइंटमेंट बुक करके, मैंने हस्बैंड को तो बाद में पता चला, तो बस फिर चार चार दिन में हमको फाइनलाइज करना था कि ये ट्रीटमेंट कहाँ कैसे क्या होगा. और 2 weeks की सर्जरी के पोस्ट 2 weeks मैंने अपना ट्रीटमेंट अहमदाबाद में सब कुछ फेस करके कीमोज ली, एंड देन आई वाज बैक टू नॉर्मल आफ्टर 4 months. यू मेक इट साउंड सो इजी. यू नो टू माय सरप्राइज एक्चुअली ये जेनेटिक है मेरे फैमिली में, तो मैंने ये देखा था कि कैसे मेरी मदर ने, कैसे मेरी आंट्स ने एक विल पावर, अपना खुद के विल पावर के भरोसे ये सब ट्रीटमेंट्स उनका 2-3 बार हो चुका है तो उन्होंने सामना किया था. तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल था वो, लेकिन यस मैंने वो जर्नी देख रखी थी कि कैसे आदमी का एक माइंडसेट होना चाहिए उस चीज के प्रति तो वो सामना कर सकता है. तो देवर ऑल वेरी यू नो सक्सेस स्टोरीज ही थी उनकी हमेशा. तो वो देख करके मुझे वो एक पहले से इनबिल्ट विल पावर आ चुका था. थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ मुझे जब पता चला था, बट इमीडिएटली मैंने वही सब रिकॉल किया कि उन लोगों ने कैसे सामना किया था. तो बस अपनी और एक यंग एज होने के नाते एक एनर्जी लेवल्स थोड़े ज्यादा थे, हमारी अवेयरनेस आजकल पहले से करते आजकल ज्यादा है, तो बस ज्यादा घबराई नहीं मैं. मुझे तो ऐसा था कि मैंने तो 2 surgeries फेस कर चुकी हूँ क्योंकि दोनों सीजर बच्चे थे मेरे, तो मुझे लगा सर्जरी से इतना डरना नहीं है. और कीमोज भी मैं देख चुकी थी मेरी मदर को कि कीमोज में वो कैसे क्या खाते हैं पीते हैं, क्या कितने समय बाद वापस खड़े हो जाते हैं. तो बस वो सब याद करके अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा, क्योंकि मेरा मानना है कि सब कुछ यहाँ है, यू नो सब यहाँ, अगर सब ठीक है तो यहाँ सब ठीक है. तो बस छोटे बच्चों की तरफ देखना था मुझे कि भाई उनको बिल्कुल भी लो नहीं फील होने देना है, तो मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना जरूरी था. एंड देन 9 months तक तो मैंने एकदम सक्सेसफुली सामना करके, मतलब 6-4 to 5 months में मेरा सब क्लियर हो गया. मैंने फिर वापस स्कूल ज्वाइन किया. बाय दैट टाइम मेरे प्रिंसिपल बहुत कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप सब भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो. तो वही मैंने किया, मैं बहुत रिलैक्स थी अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट से. और जब मैं जैसे ही मेरा पेट स्कैन क्लियर आया, मैं तुरंत गई प्रिंसिपल से अप्रोच करने की मुझे फिर से ज्वाइन करना है. एंड बाय दैट टाइम ऑनलाइन टीचिंग आ चुकी थी, तो वो मेरे लिए फिर से एक नया चैलेंज था कि इसको, जब तक बाकी टीचर्स एकदम थरो हो चुके थे मुझे फिर सीखना था वो सब. बट वो सब सीखा मैंने और 9 months अगेन इट वॉज अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी. आई वॉज बैक टू नॉर्मल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. फिर से लेकिन एक्चुअली डिजीज रिकर करी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. यस ओके. एक समझ लीजिए 1.5 साल में 2 बार हुआ सेम प्लेस पे. तो फिर देर वॉज नो सर्जरी, तो मेरे लिए आधा जो पोर्शन था वो मैं उससे फ्री थी कि मुझे सर्जरी का सामना नहीं करना है, तो मुझे कीमोस लेनी थी. तो अगेन 6 rounds ऑफ कीमोस जो मैंने 4-4.5 महीने में निपटा दी, और अगेन आई वॉज बैक टू नॉर्मल. एंड फिर से मैंने सोचा कि अभी क्या करना है. 1 महीने तो मैंने रेस्ट ले लिया, तब तक मन ये था कि भाई अपने को वापस सब चीजों में नॉर्मल लाइफ पे आना है, तो क्या करना है नेक्स्ट, क्या जॉब पे वापस करना है या खुद का कुछ करना है. तो बाय द टाइम ये सोच रही थी उतने में मुझे 1-2 tuitions के कॉल आए बच्चों के, जो भी मेरे प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स ने ही रिकमेंड किए थे. तो वो मैंने घर से स्टार्ट करी ट्यूशंस, और करते करते मुझे ऐसा लगा कि दिस इज मच बेटर फॉर मी कोर टीचिंग जो विच आई एंजॉयड अ लॉट, स्टिल आई एंजॉय अ लॉट. तो अब मैं रिसेंटली एक अपना खुद का कोचिंग सेंटर लॉन्च करने जा रही हूँ विद टू ऑफ फ्रेंड्स. सो
So this is what I am right now in front of you. You बोलते हैं ना कि हीरे को नहीं पता कि उसकी कीमत क्या है, हीरे की कीमत जौहरी जानता है. एंड सिमिलरली तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो. तो जिस ईज के साथ आज तुम अपनी जर्नी बता रही हो, इंक्लूडिंग द रेकरेंस, शीतल आसान नहीं है. जो इट इज नॉट एज इजी एज यू आर पुटिंग इट. सो इट इज योर इनर स्ट्रेंथ जो तुमने बरकरार रखी. एज यू सेड, इट इज ऑल हियर. पर फिर भी एज अ सर्वाइवर माई सेल्फ, मैं जानती हूँ कि कई लो फेसेस आते हैं, कई लो फेसेस आते हैं. एंड तुमने हर लो फेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरीके से तुम अपनी जर्नी बता रही हो. एंड सी, कैंसर डिटेक्शन, देन कैंसर ट्रीटमेंट अपने आप में एक बहुत ही ड्रेनिंग प्रोसेस है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो. कैसे इतना पॉजिटिव माइंडसेट बरकरार रखा थ्रू आउट योर ट्रीटमेंट, देन अगेन विद द रेकरेंस? हाउ कुड यू बी सो पॉजिटिव अबाउट इट? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुझे पता था कि यू नो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. तो हमें पता है, अगर हमारा एक विजन है अपनी लाइफ के प्रति कि यू नो मुझे आगे जाकर कि मुझे ये बनना है, मेरे बच्चों को ऐसे सेटल करना है, मेरी आगे की लाइफ का जो सेकेंड फेज टू होगा वो मुझे ऐसे यू नो प्रोसीड करना है, तो वो सब चीजें जब मेरे दिमाग में ऑलरेडी फिट थी, तो मुझे ये डीप विद इन ये पता था कि अगर मुझे उस पोर्शन के लिए, उस पार्ट ऑफ लाइफ के लिए रेडी रहना है तो मुझे इसका सामना करना पड़ेगा. और ऐसे मैंने एन नंबर ऑफ केसेस सुन रखे थे एक्सेप्ट कैंसर कि जो इक्वली ड्रेनिंग थे, इक्वली चैलेंजिंग थे, बट लोगों ने बहुत स्मूथली उसका सामना किया हुआ है. तो मेरे साथ तो मेरी फैमिली का बहुत स्ट्रांग बैकअप था. और इवेंचुअली मैं अपने फैमिली मेंबर्स से भी इतनी क्लोज हो गई, रिश्ते और ज्यादा स्ट्रांग और प्यारे हो गए. तो पॉजिटिविटी वॉज देयर ऑल अराउंड मी, राइट फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई किड्स, माई इन लॉज, फ्रेंड्स. तो एक तो एक होता है कि हम पॉजिटिविटी बाहर से लेते हैं और एक हमारे अंदर होती है. तो अंदर तो रखनी ही थी क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था. यू नो आपको ऐसे ना वैसे आपको सामना तो करना ही है ट्रीटमेंट का, राइट? और बार बार मैं अपने मन को ये एक मैसेज जरूर देती थी कि ऐसा कुछ भी बिगड़ नहीं गया है, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं इसका, है ना. तो मुझे जब ये दिख रहा था कि बस इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो जब मुझे रास्ते दिख रहे थे क्लियरली कि नहीं, एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू मी, तो बस मुझे अपने माइंड को ही समझाना था. नो डाउट, डेफिनेटली कभी कभी ऐसा लगता है हम प्रिटेंड करते हैं कि वी आर ओके, बट डीप विद इन लो फेजेस आते हैं. और जैसे आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे मैं भी खुद कई सारे यू नो वीडियो चैट्स यूट्यूब चैनल्स पे स्क्रॉल करके कहाँ से मुझे कई मोटिवेशन मिल जाए. कभी कभी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि प्लीज मेरे साथ कुछ मोटिवेशनल बात करो ना, मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है. तो वो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे. अलॉन्ग विद दैट वो कोविड वाला फेज चल रहा था, 2019 में डिटेक्ट हुआ, तो 2020 में कोविड फेज आ चुका था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज. बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को जाते हुए देखा, दूसरे लोगों के भी नियर एंड डियर वंस को. तो पता तो ये चल गया क्लियरली कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, है ना. तो यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज. तो मुझे मेरे लिए एक चीज ये अच्छी लग रही थी कि भगवान ने मुझे चांस तो दिया है, तो वो तो उसको तो मुझे चेरिश करना चाहिए. इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि अगर कोई चांस ही नहीं मिलता तो हम आज ये सब बात भी नहीं कर रहे होते. तो नो डाउट ड्रेनिंग, जैसे आपने कहा फाइनेंशियल, यस फाइनेंशियल ड्रेनिंग होती है, फिजिकल ड्रेनिंग होती है. जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको लगता नहीं है कि आप ये वही हो, बट फिर बार बार खुद को बोलना पड़ता है. जैसे मैं तो थोड़ी ओवर वेट थी लाइक, तो मैं थोड़ा स्लिम ट्रिम होने लगी तो मुझे तो अच्छा लगने लगा कि ये चीज तो मैं 15-16 साल पहले से सोच रही थी कि मैं इस शेप में आऊं. तो बस वही अच्छी अच्छी बातें ढूंढी खुद में और कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी, मी टाइम दिया. इट इज वेरी इंस्पायरिंग शीतल. जिस तरीके से तुम आज इस बारे में बात कर रही हो, दैट इटसेल्फ पोर्ट्रेज कि तुम अपने आप में इतनी पॉजिटिव तो हो ही, बट जो एक्सेप्टेंस आया, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आया,
उतनी जल्दी बोलते हैं ना अपन काम पे लग गए. द एग्जैक्टली मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस करेक्ट एंड यू एक्सेप्टेड इट सो ग्रेसफुली. एंड जैसे बोल रही हो तुम कि चलो अब रोड मैप बनाओ और काम पे लगो और इसको खत्म, प्रोजेक्ट को फिनिश करो. इट वॉज यू यू मेक इट साउंड लाइक दैट. ग्रेट ग्रेट. जब मेरा रिकर हुआ तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नो डाउट कीमोस तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, बट आराम से एंजॉय कर लो, अपने कोई बच्चों के एग्जाम्स एग्जाम्स है वो निपटा लो आराम से, फिर आओ. मैंने कहा नहीं मैम, मुझे फटाफट निपटाना है, मुझे वापस वो पहली वाली लाइफ पे फोकस, तो मुझे आप क्लियर करो इससे. इट वॉज दिस इज लाइक लाइक ये एक ऐसा पार्ट आज देखने मिल रहा है शीतल. आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी पीपल एंड ऑल आर इक्वली पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग. लेकिन आज जो ये व्यू पॉइंट मिला है मुझे, दिस पर्सपेक्टिव इज कंप्लीटली डिफरेंट. इसे जो एक कैंसर के प्रति एक टैबू है, माइंड माइंड ब्लॉक है लोगों का, वो हटनाने में इतनी ज्यादा मदद होगी बिकॉज यू आर मेकिंग इट साउंड ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड सो इजी. ग्रेट जी यार, ग्रेट, सीरियसली. अच्छा शीतल, शीतल के बारे में क्या, शीतल को क्या पसंद है, हॉबीज क्या है? सी, कई बार जैसे तुमने कहा कि कई बार वी हैव टू वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी पुट ऑन अ फसाड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, या हम जीते हैं शादी के बाद हस्बैंड एंड उनसे ज्यादा बच्चों के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं देर इज दैट शीतल जिसकी अपनी कुछ लाइक्स हैं, हॉबीज हैं. सो वॉट इज योर लव बिसाइड योर हस्बैंड? वॉट डू यू लव डूइंग इन लाइफ? सी आई लव टू डांस, आई एम पैशनेट अबाउट डांसिंग. ओके तो मैंने अपने स्कूल लाइफ में कथक भरतनाट्यम के दोनों कोर्सेज कर रखे हैं. पूरे फुल अच्छा कोर्सेज नहीं हो पाए क्योंकि एक टाइम 10th आ गया, एक टाइम 12th आ गया. और बट जब जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कोई इवेंट या कोई डांस कोरियोग्राफ करने की, स्कूल में इतने सारे इवेंट्स आए जहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा वो एक पैशन बोलो उसको मैं ना आजमा सकूँ, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करती थी. तो यस, आई एम पैशनेट अबाउट डांसिंग. आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, हमारे यहाँ शादी बहुत लंबी लंबी चलती है, तो संगीत इज अ वेरी एविडेंट पार्ट ऑफ अवर शादी. तो वो बहुत सारे शादी के जो संगीत के प्रोग्राम्स थे वो कोरियोग्राफ किए, और अभी भी मुझे मौका मिलता है. इनफैक्ट ड्यूरिंग कीमो आल्सो, जब कोरोना चल रहा था, कोविड सब कुछ बंद था, तो मैं मेरी डॉटर्स के साथ में गाने लगा के हम लोग डांस करते थे. हाँ, यहाँ तो छुट्टी जाते थे लेकिन मैं यहाँ डांस करती थी. तो वो एक शौक रहा है. मुझे राइटिंग बहुत पसंद है, लाइक इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट राइटिंग, बट पीपल से आई हैव अ गुड कैलीग्राफी स्किल, लाइक आई राइट नाइसली. तो वो भी क्योंकि मेरा मोस्टली स्पैन अपना स्कूल लाइफ में मैंने गुजारा है, चाहे वो नागपुर में हो चाहे गुजरात में. तो मैंने वहाँ पे जो जो भी मौके मिले मेरे पैशन को फुलफिल करने के, वो मैंने कंप्लीट किए. तो स्कूल में ही टीचर्स का एक कैलीग्राफी कॉन्टेस्ट था, तो वहाँ मुझे प्राइज मिल रखा है. रंगोली कॉम्पिटिशन्स होते थे तो रंगोली बनाती थे हम लोग, तो उसमें मुझे प्राइज मिला हुआ है. और कैलीग्राफी, दिस इज समथिंग एल्स यार, दिस इज समथिंग एल्स. पता नहीं था, नहीं तो तुमसे कहती कि पहले से कुछ लिख के रखो और दिखाओ हमको तुम्हारी हैंडराइटिंग. वी वुड हैव लव टू सी इट, ऑल ऑफ अस वाचिंग यू टुडे. दिस इज अ यूनिक हॉबी एक्चुअली एंड अ यूनिक, इट इज अ आर्ट फॉर्म. कैलीग्राफी, ब्यूटिफुली लिखना इज एन आर्ट फॉर्म. एंड तो इनमें से क्या कंटिन्यू कर रही हो? डांस तो तुमने बता दिया, सो डू यू स्टिल राइट इन द सेंस दैट कि कभी मन करता है कि कुछ मैं लिखूं, तो डू यू स्टिल राइट? आई हैव अ हैबिट टू राइट ऑल द थिंग्स. मुझे, मैं भले ही आज घर पे भी हूँ लेकिन मेरे घर के भी मुझे कोई काम करने हैं तो मैं लिखती हूँ. कोई स्टोरी बुक अच्छा पढ़ती हूँ तो मुझे जो कॉम्प्रिहेंड किया मैंने वो नॉवेल से या से, वो भी मैं लिखती हूँ. तो मुझे लिखना पसंद है, भगवान के श्लोक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो,
वो मैं लिखती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लिखना भूल ना जाऊं, क्योंकि as I told you कि मैंने अभी बीच में ब्रेक लिया ले रखा है स्कूल से. स्कूल के टाइम में तो मैं बोर्ड पे इतना लिखती थी तो मतलब मजा आता था कि चलो एक होता ना हम बना बना के जो हैंड राइटिंग लिखते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते थे कि ये मतलब मैम आप मिटाना मत अपने जो लिखा है, ऐसे बोलते थे मुझे. तो अभी भी लिखती हूँ, बुक में जरूर लिखती हूँ कोई भी चीज. शीतल, मैं एक बात जानना चाहती थी कि हाउ वुड यू लाइक टू लिव योर लाइफ डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन लिविंग फॉर द 40 ऑड इयर्स गॉन बाय. अब ऐसा क्या चेंज करना चाहती हो लाइफ में या रूटीन में? व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू मेक और हैव यू मेड? या यू नो व्हाट डिफरेंट तरीके, क्या क्या अलग तरीके से जीना चाहती हो अब पोस्ट द ट्रीटमेंट एंड द रिकरेंस? पहले जैसे मैंने कहा कि मैं एक टिपिकल वर्किंग मॉम थी, अपने आप को बाजू में रख के पहले स्कूल की डेडलाइंस मीट करना, घर पे भी काम, बच्चों की पढ़ाई, यही सब में मैं जूझती रहती थी. लेकिन जब से ये मेरा 1.5-2 साल ट्रीटमेंट चला, जब जब मैं भी अच्छा फील करती थी तो एक वो जो मी टाइम, वो जो मैंने फील किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अपने आप के साथ समय बिताना मौका ही नहीं मिला कभी भी. तो तब से मैंने ये चीज़ तो ज़रूर ठान ली कि अपना डे प्लान करती हूँ तो अपने आप को सेंटर में रख के फिर मैं बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचती हूँ कि आज मेरे एक्सरसाइज का टाइम क्या होगा. यो या फिर मुझे जैसे मैं साईं बाबा की भक्त हूँ तो मैं थर्सडे को आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं मंदिर तो मुझे जाना ही है, साईं मंदिर. या फिर यू नो रीडिंग का है तो जैसे बेड टाइम में आधा पौन घंटा, भले ही बच्चों को कोई काम हो या कोई टास्क हो, प्रोजेक्ट हो, वो सब निपटा के मुझे ऐसा है कि मुझे रीड तो करना है. तो इन शॉर्ट अब मैंने ये चीज़ सीखी है कि हम सबके लिए सोचते रह जाते हैं, खुद के लिए समय हम बहुत कम निकालते हैं. तो थोड़ा तो अपने आप को सेंटर में रख के जितना भी कुछ मैं सोच सकती थी मैंने अब वैसी प्लानिंग्स करनी शुरू कर दी है. और थोड़ा सा पेशेंट और थोड़ी काम हो गई हूँ पहले से कंपैरिजन में, क्योंकि इतनी वाली लाइफ थी तो जैसे मैंने कहा क्योंकि खुद के लिए समय नहीं मिल पाता था, थोड़ा सा यू नो हमेशा मन में ऐसा लगता था कि यार ये आज सोचा था, इस महीने का ये शेड्यूल था तो किया ही नहीं. तो अब वो सब, वो जो रिग्रेट्स वाली फीलिंग है ना, वो अब मैंने वो ना हो उसके पहले ही मैंने अपने आप को एक सेंटर में रख करके प्लानिंग करना शुरू कर दिया. क्योंकि मोस्टली तो वो चीजें ऐसी हैं जो मेरे हेल्थ को यू नो नरिश करेगी और तो बस. यस यस, नहीं ये तो तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही है. सी दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या है, हर इवन मेन डू इट, इग्नोर द हेल्थ एंड कीप द फैमिली फर्स्ट, खुद पे फोकस नहीं करते हैं. लेकिन इनहेरेंटली औरतों में ये ज्यादा देखा गया है कि वो बिना कारण ही अपने आप पे लोड बहुत लेती हैं, अपने आप को मल्टीटास्कर समझ लेती हैं. एक तो आजकल मल्टीटास्किंग का जो ये टर्म आया है, इसने प्रेशर ज्यादा डाला है औरतों पे. हाँ, व्हाई डू वी वांट टू बी अ मल्टीटास्कर, है ना? हो सकता है कुछ चीजें हम ना कर पाए, फाइनली वो हमारे हेल्थ पे टोल लेता है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने बताया है आज की, कीप योर सेल्फ प्रायोरिटी, वो बहुत जरूरी है. क्योंकि जिस अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं तो वी हैव रिग्रेट्स, एंड अगेन रिग्रेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द हेल्थ इश्यूज. सो ऑल इन ऑल ये एक विशेष साइकिल है. So this is really very good advice. अच्छा शीतल, you are a young survivor, you are a young warrior. Survive तो वो होते हैं जिन्हें बहुत बड़ी मुश्किल से जो ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और रगड़ते रगड़ते अपना कैंसर ट्रीटमेंट कम. बट यू आर अ वॉरियर, यू हैव बैटल्ड एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस. तो शीतल, तुम्हारी एज ग्रुप की जो विमेन हैं, what would you like to
टेल देम, सी मैसेज नहीं, हम कौन होते हैं मैसेज देने वाले, बट सिंस हम किसी एक चैलेंजिंग दौर से गुजरे हैं, तो क्या कहना चाहोगी अपनी हम उम्र विमेन को रिगार्डिंग हेल्थ, क्या अच्छा तुम्हारा टेक रहेगा? देखिए, ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक कुछ अलार्मिंग ना हो ना तो हम जागते नहीं है, राइट। तो जैसे आपने कहा कि मैं अपने एज ग्रुप के लेडीज को यही कहना चाहूंगी, हम सब जानते हैं कि पोस्ट 40 कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, विच इज यू नो विच इज बट नेचुरल, कि कभी बोन्स का कोई इश्यू आ जाए, कभी सिंपल कोई हार्मोनल चेंज हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए आपको मतलब यू नो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे शेयर करना है, मुझे उसके लिए वर्क करना है, मुझे उसको डिले नहीं करना है, राइट। बिकॉज जितना अर्ली है उतने आप यू नो यू विल हील फास्टर। और सो ट्रू, सेकेंडली है कि मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि एज इज विद यू, इफ यू आर यंग और आपके साथ कोई भी ऐसी कोई यू नो अनप्रिडिक्टेबल या फिर ऐसा कोई चैलेंज, नॉट ओनली कैंसर, ऐसा कोई भी छोटी मोटी ऐसी कोई राइट, चैलेंज आता है आपके सामने, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपके साथ आपकी एज है, आपके साथ आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है। साइंस हैज डेवलप्ड सो मच सो वेल नाउ, आप हर चीज का रास्ता है, थोड़ी सी आपको स्टडी करनी है उस चीज को लेकर के। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ आपकी स्टडी और रिसर्च में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अंदर मन में दबा के नहीं रखनी वो बात, हर एक के साथ शेयर करनी है जो आपको हेल्प कर सकता है, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। एट द सेम टाइम जहां आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी मिल रही है इस एनवायरनमेंट से पर्सन से, तो आपको अपने कान के दरवाजे बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। तो हमारे इंडिया में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो ऑफिशियली डॉक्टर नहीं है लेकिन यू नो एडवाइजरी डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। राइट प्लेस पे राइट चैनल के थ्रू अगर आप पहुंचते हो तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि एज इज ऑलवेज विथ यू, सो विच विल हेल्प यू टू फाइट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ट्रू, सो ट्रू, दीज आर गोल्डन वर्ड्स। एंड जैसा तुमने कहा कि शेयर करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन जनरल विमेन शाय अवे, बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी अपने आप कर देती हैं, टाल टाल के, टाइम निकाल के, द प्रॉब्लम बिकम्स बिगर। सो अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज हेल्पफुल इन अ बेटर एंड अर्ली रिकवरी एंड हीलिंग, एज यू सेड। सो दैट यस इज वेरी ट्रू। शीतल, पता नहीं किसी ने तुम्हें कहा है कि नहीं, बट आज तुमसे बात करके आई फील यू कैन मेक अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। यू आर, यस यस, यू विल इंस्पायर सो मेनी। आज हमें जो देख रहे हैं, दे विल फाइंड सो मच ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। तुम्हें खुद नहीं पता, बट यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो मोटिवेटिंग कि जैसा तुमने कहा, सिर्फ कैंसर ही नहीं, लाइफ की किसी भी चैलेंज से गुजरने वाले इंसान को आज तुम्हारा ये जर्नी का पूरा सुन के ही फील, इट्स ओके यार, लाइफ इज नॉट दैट बैड, यस यस देर इज एग्जैक्टली, होप, देर इज होप। राइट राइट, और कभी भी आज ग्रेटफुल तो फील करना है अपने आप के लिए। दूसरा एक और मैसेज रह गया कि कभी भी एक जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स आता है कि मेरे वजह से सब तकलीफ में है, मेरे वजह से फैमिली वाले ट्रबल में आ गए, मेरे वजह से, ये किसी की कोई भी चीज किसी के हाथ में नहीं है, राइट। जो हैपनिंग्स होनी है वो होगी, हाँ उसको पार करना वो आपके हाथ में, तो गिल्ट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ही ज्यादा ट्रबल देगा आपके फैमिली वालों को और आपको खुद को भी। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं आनी चाहिए कि यहाँ तो आप पॉजिटिव हो और दूसरा आपको गिल्ट भी है, तो एक चीज डोमिनेटिंग होनी चाहिए। सीरियसली, इतने लाइफ लेसन्स इस आधे घंटे के चैट में, शीतल तुमने इतने लाइफ लेसन्स दे दिए हैं आज सबको, जो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, कि इट हैज बीन लाइक अ
कहते हैं ना किसी कोच के साथ जो लाइफ कोच के साथ जो बातें होती है उस तरीके की. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई हैव नोन शीतल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव स्पेशली तुम्हारी कैंसर जर्नी के बाद माई रिस्पेक्ट फॉर यू हैज ग्रोन मेनी फोल्ड्स. थैंक यू सो बहुत मच. यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी. आई कंप्लीटली एसोसिएट विथ यू एक्चुअली. नोबडी बेटर देन यू. एग्जैक्टली. ऑल वी सर्वाइवर्स एसोसिएट विद ईच अदर. सी वही होता है ना कि वी डिराइव स्ट्रेंथ. बोलना जरूरी एग्जैक्टली नहीं है बट हर एक को देख के वी डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम ईच अदर एंड दैट कीप्स एग्जैक्टली. अस गोइंग. यस यस शीतल इट हैज बीन क्या कहूँ. आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. इट हैज बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू. तुमने आज अपनी जनरेशन के जो अबाउट 40 की जो विमेन हैं उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज पोस्ट किया है प्लस चाहे कैंसर हो या कोई दूसरी चैलेंज हो लाइफ की तुमने आज ये बताया है कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट मेक्स इट मोर रेलेवेंट इन दिस कैंसर सर्वाइवर्स मंथ ऑफ जून. एंड हमसे आज बात करने के लिए अपना समय निकालने के लिए एंड इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए थैंक यू शीतल. आज एक तुमसे जस्ट अभी एक मन में एक शेर याद आ रहा है. इट फिट्स यू सो प्रॉपरली. जिंदगी जिंदा दिलों की बात है मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं. सो तुमसे बढ़ थैंक के जिंदा दिल इंसान मैंने नहीं देखा. यू सीरियसली थैंक यू फॉर कनेक्टिंग शीतल. थैंक यू वेरी मच. लवली सो हैविंग यू ओवर. मच. आई एम वेरी हैप्पी विद यू फॉर दिस इनिशिएटिव. यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम श्योर मेनी पीपल विल गेन सो मच ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल ऑफ योर्स. कुछ मीठी बात है. थैंक यू शीतल. थैंक यू. सो फ्रेंड्स आज शीतल से बात करके जितना मजा मुझे आया है आई एम श्योर आप सब जो हमें आज देख रहे हैं आप सबको भी उतना ही अच्छा लगा होगा. एंड इसी तरीके से हमारे चैट शो हमारे सर्वाइवर्स को देखते रहिए शेयर करते रहिए. वी नेवर नो कब किसे मोटिवेशन मिल जाए पॉजिटिविटी मिल जाए. थैंक यू वेरी मच. फिर अगले मंथ हाजिर हो जाएंगे आपके साथ एक सुपर वॉरियर सुपर हीरो कैंसर सर्वाइवर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शीतल. थैंक यू सो थैंक मच. यू सो मच. थैंक यू.